हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड चिली फूड हब। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी रेसिपी है पनीर घोटाला, जो कि सूरत का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करेंगे। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे और जीरे को अच्छी तरह क्रैकल होने देंगे। जीरा हमारा अच्छे से हो चुका है। अब इसमें एक फाइनली चॉप्ड अनियन डालेंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे। अनियन हल्का सा सौते हो चुका है। अब हम इसमें एक टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर ऐड करेंगे और इन दोनों को अच्छे से कुक करेंगे। अनियन अच्छे से कुक हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें एक फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम ऐड करेंगे और उसे फ्यू सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे। इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। कैप्सिकम भी हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें अपने रेगुलर स्पाइसेस जैसे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला और पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इनका फ्लेवर मसाले में अच्छे तरह आ जाए। ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको लीड लगाकर मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाए। अब हम लीड ओपन करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें कसूरी मेथी हाथों में अच्छी तरह क्रश करके ऐड करेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है वो और अच्छा आ जाए। अब हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अमूल बटर ऐड करेंगे और बटर को अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे ताकि जो इसका भी फ्लेवर है वो भी मसाले में अच्छी तरह आ जाए। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से चलाएंगे। अब इसको लीड लगाकर मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब हम लीड ओपन करेंगे। इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अब हम 2 चीज क्यूब ग्रेट करके ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा पनीर घोटाला बनके रेडी है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे कोरिएंडर लीव्स और ग्रेटेड चीज से गार्निश करेंगे। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।